हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग क्लास 10th रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन, या ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स ऑकर्स इन प्रोड्यूस CO2 एंड एनर्जी एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। या फिर ये कैसे इसकी जो रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस 6O2 एरो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरीज। या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड का जो है ऑक्सीडेशन होता है और उसके थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज़ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ फाउंड इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन दिस प्रोसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन्स एंड प्रोड्यूस सिक्स CO2 प्लस 6H2O एंड 38 ATP molecules। And anaerobic respiration not require oxygen। During this process one molecule of glucose does not complete breakdowns। It is found in lower animals and lower organ। In this process lower organism ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म एथिल अल्कोहल CO2 एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए फर्स्टली ग्लूकोज जो टूटता है वो पाइरुविक अम्ल में टूटता है और उसके बाद एथिल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस टू ATP मॉलिक्यूल्स। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज फर्स्टली पाइरुविक एसिड प्लस एनर्जी में टूटता है, फिर जो है लैक्टिक एसिड एंड टू मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म करता है। तो बच्चों, हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में यह देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरी होती है जिसमें हायर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स 38 ATP का फॉर्मेशन करता है एंड लो CO2 बनती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती और ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल्स कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है और इसमें एथिल अल्कोहल फॉर्म। बच्चों, हम देखते हैं स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। सेलरेशन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन 3 स्टेज। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होती है वो सेल्स के साइटोप्लाज्म में होती है और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायर नहीं होती है। ये दोनों प्रोसेस में हो जाता है, ऑक्सीजन है तो नहीं है तो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल्स मैनी स्टेप में टूटता है और जो है टू मॉलिक्यूल्स पाइरुविक एसिड एंड टू मॉलिक्यूल्स ATP के फॉर्म करता है। क्रेब्स साइकिल जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में के जो मैट्रिक्स पार्ट है उसमें स्टार्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में की जो मैट्रिक्स है उसमें मैनी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है इसमें एसिटिल कोएंजाइम ऑक्सलोएसिटिक एसिड एंड मैलिक एसिड से मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है। ये कई स्टेप में टूटकर जो है प्रोसेस बन चलती रहती है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्रेजेंट अंदर होती फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्रिस्टी पर प्रेजेंट ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स में स्टार्ट होती है। इसी में भी जो है ATP का फॉर्मेशन होता है। तो कंप्लीट तीनों जो स्टेज हैं रेस्पिरेशन की वो सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं के थ्रू जो है ATP के कंप्लीट 38 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों, हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें देखिए ग्लूकोज के शीर्ष मॉलिक्यूल जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। उसके साथ साथ आपको जो है 3 स्टेप में दिखाया गया है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है वो इथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनाता है प्लस CO2, और बहुत कम मात्रा में जो है एनर्जी का भी फॉर्मेशन करता है। सबसे लास्ट में नीचे एक तरफ देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, इसमें CO2 प्लस वाटर और मैक्सिमम जो है एनर्जी प्रोड्यूस। मिडिल रीजन में देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल्स में, जब ह्यूमन जो है हार्डवर्क करता है तो उस समय जो है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसमें एनर्जी जो है ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको इतना समझाया है। टॉपिक है व्हाट इज ATP। ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म ADP एन ऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इसमें क्या है, ADP मॉलिक्यूल से 1-phosphate मॉलिक्यूल जो आकर अटैच हो जाता है। ATP क्रमशः डिफरेंट बिटवीन रेस्पिरेशन या मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स है आपको पता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनरोबिक मीन्स है आपको पता होगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, एनरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2 होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और एनारोबिक का आपका जो है अल्कोहल और लैक्टिक एसिड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम 38 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन हायर प्लांट एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इज लोअर प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया डिफरेंट बिटवीन एरोबिक एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी एरोबिक रेस्पिरेशन, हाई एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और ये हायर एनिमल प्लांट में प्रेजेंट होती है, जबकि एनरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट हैं इनके अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, लेस ATP फॉर्म होती है और पाया जाता है किसमें, ईस्ट एंड। आगे है बच्चों आपका रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय सेल मेम्ब्रेन के थ्रू करता है। अर्थवर्म आपका रेस्पिरेशन जो करता है स्किन के थ्रू। इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं आपके वो ट्रैकी एंड एक्वाटिक एनिमल जो है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन को करते हैं। लैंड एनिमल जो होते हैं वो आपके जो लंग्स एंड स्किन के थ्रू जो है अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल प्लांट्स। प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट के थ्रू होती है, जैसे लीफ में प्रेजेंट स्टोमेटा, स्टेम में प्रेजेंट लेंटिकल एंड रूट्स में प्रेजेंट स्मॉल पोर्स। इनके थ्रू जो है प्लांट जो है रेस्पिरेशन की प्रोसेस करता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन को टेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ठीक है, और ये सारी प्रोसेस जो होती है डिफ्यूजन के थ्रू होती है। तो बच्चों आज हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है डिफरेंट मेथड में आज कंप्लीट की है, और आप लोगों को समझ में ना आए तो एक बार फिर भी मुझसे पूछ लेना, ठीक है, और जो भी नोट्स दिए हैं उनको आप फेयर कॉपी में बनाते चलें, जहाँ कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।